अच्छा जी बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, थोड़ा ज़रा वो पीछे वालों को जगह दे दो। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, सबसे पहले तो आज हम इंशाल्लाह ताला 1 बजे के करीब रवाना हो रहे हैं शाह महमूद कुरैशी साहब की सरबराही में। आज जो लॉन्ग मार्च हमने कातराना हमला जहां पे हुआ वज़ीराबाद में, पाकिस्तान की तारीख का एक बहुत बड़े सानहों में से एक सानहा हुआ, वहां पर से ही दोबारा ये आज़ादी का, हकीकी आज़ादी का जो सफ़र है वो दोबारा शुरू होने जा रहा है। और हम लोग इंशाल्लाह ताला तकरीबन 2:30 से 3 बजे तक जो है वो वज़ीराबाद पहुंच जाएंगे और इमरान ख़ान फिर 4:30 बजे इस इज्तमा से खिताब करेंगे। जो हमारी हकीकी आज़ादी मार्च की जो हिकमत अमली है उसमें कुछ तब्दीली आई है। पहले ये था कि हम सेंटर पंजाब से इमरान खान की क़यादत में सीधे जा रहे थे रावलपिंडी की तरफ, अब दो जगहों से वस्ती पंजाब से जो तहरीके इंसाफ की लीडरशिप है वो एक काफ़िले लेके निकलेगी और नॉर्दर्न पंजाब से हम लोग ये काफ़िले लेके निकलेंगे। और इंशाल्लाह ताला जो सिंध से, कश्मीर से, गिलगित बल्तिस्तान से और खैबर पख्तूनख्वा से ये काफ़िले 3 दिन के बाद 4 दिन के बाद जो हैं वो शुरू होंगे और ये तमाम काफ़िले फिर रावलपिंडी में अब इमरान खान इनका इस्तकबाल करेंगे। पहले इमरान खान इन काफ़िलों को लीड करके जा रहे थे लेकिन चूंकि उन्हें फ्रैक्चर है और 4 हफ्तों तक उनका जो प्लास्टर है इमरान खान का वो रिमूव नहीं होगा, तो इसलिए वो आप इन काफ़िलों का इस्तकबाल करेंगे रावलपिंडी में, जहां पर इंशाल्लाह ताला लाखों लोग जमा होंगे और फिर इस्लामाबाद में और रावलपिंडी में इमरान खान साहब अपनी जो अगली हिकमत अमली है उसका ऐलान करेंगे। ये जो हकीकी आज़ादी मार्च है ये 1947 में जो सफ़र, जो पहली कामयाबी हमने हासिल की थी कलोनियलिज्म के ख़िलाफ़, ये उसी का हिस्सा है। उस वक़्त कायद आज़म पाकिस्तान की आज़ादी की तहरीक को लीड कर रहे थे, आज इमरान खान हकीकी आज़ादी की तहरीक को लीड कर रहे हैं, की क़्यादत कर रहे हैं। उस वक़्त क्या झगड़ा था कि हमारा कलोनियलिज्म था हिंदुस्तान के ऊपर और तमाम हिंदुस्तान के मुसलमान इस कलोनियलिज्म के ख़िलाफ़ खड़े हुए थे। आज भी पाकिस्तान में कलोनियलिज्म है। कलोनियलिज्म क्या है? वो ये है कि जो इक्तदार में तबका है वो कानून से बालातर है। जब अंग्रेज़ यहाँ पे हुकूमत करता था तो उसका क्या बुनियादी जो फ़लसफ़ा था उस वक़्त हुकूमत का, वो क्या था कि हुक्मरान तबके के ऊपर कवानीन लागू नहीं हो रहे थे। आज भी हुक्मरान तबके के ऊपर कवानीन लागू नहीं हो रहे, तो क्या हो रहा है? आप देखिए 3 बड़े सानहे हुए हैं 6 महीनों में, सानहे तो बेशुमार हुए हैं इन 6 महीनों में। जो पाकिस्तान में हुआ है पाकिस्तान की तारीख में कभी नहीं हुआ। पाकिस्तान ने बदतरीन मार्शल लॉ देखे हैं लेकिन जो 6 महीनों में हुआ है पाकिस्तान में कभी नहीं हुआ। पाकिस्तान में सियासत में बड़ा बड़ा जो है एक दूसरे के खिलाफ इकदाम भी हुए हैं, गिरफ्तारियां भी हुई हैं, लोगों को, पॉलिटिकल वर्कर्स को कभी किसी ने नंगा करके इस तरह से नहीं मारा जो इन 6 महीनों में हुआ। सहाफ़ियों की जिस तरीके से बहिमाना असैसिनेशन हुई हैं, बहिमाना कत्लेआम हुआ है, कभी इससे पहले पाकिस्तान में नहीं हुआ। पूरे पूरे जो हमारे मीडिया के इदारे हैं उनको धमकियाँ दे के बंद कर दिया गया है, पाकिस्तान में इससे पहले कभी ऐसा जो है वो नहीं हुआ। और पाकिस्तान के सफ़ेवल के लीडर्स के ऊपर जो असैसिनेशन अटैम्प्ट हुई है बाकायदा प्लान करके, इस तरीके से खुलेआम कभी नहीं हुई, छुप छुपा के होती थी। इतनी खुलेआम असैसिनेशन अटैम्प्ट प्लान करके इससे पहले पाकिस्तान में नहीं हुई। 3 बड़े वाक़यात, इमरान खान के ऊपर कातलाना हमला हुआ, FIR तक रजिस्टर नहीं हुई। अरशद शरीफ को शहीद किया गया, उसकी वालदा दर बदर की ठोकरें खा रही है, उसको पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं दी गई। आज़म सवाती को पहले 75 साल का बुज़ुर्ग सेनेटर, उसको उठाया गया, उसके ऊपर तशद्दुद किया गया, नंगा करके उसको मारा गया, उसके पोते पोतियों के सामने 4 साल की पोती के सामने उसको थप्पड़ मारे गए, उसको इंसाफ नहीं मिला अभी तक। उसके बाद उसकी ऐसी वाहियात वीडियो, जो आप छोड़ दें कोई मैं समझता हूँ कि कोई उसका कोई ताल्लुक
किसी उससे सियासत से तो छोड़ दे, थोड़ा सा भी ताल्लुक जिसका मोरालिटी से हो, इखलाकियात से हो, इंसानियत से ताल्लुक हो, वो उस तरह की वीडियो नहीं बना सकता और भेज सकता। उनको वो वीडियो बना के भेजिएगी। और हमारे एस्टैब्लिशमेंट, हमारी जुडिशरी सुम्मन बुकमन बैठी हुई है। कल कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस हुई है, बड़ी अच्छी बात है। वहाँ पे एक सतरी बात आई है कि ये चीफ साहब ने कहा है कि अपनी पेशा वराना मामलात के ऊपर तवज्जो दें। बिल्कुल पेशा वराना अमूर के ऊपर तवज्जो दें, इससे अच्छा मशवरा क्या हो सकता है। लेकिन जो पाकिस्तान में हो रहा है, क्या पाकिस्तान की एस्टैब्लिशमेंट और पाकिस्तान की अदलिया में ये जो 50 लोग बैठे हुए हैं, क्या इतने लातालुक रहेंगे इस मामलात से? जो पाकिस्तान के सेनेटर्स को उठा उठा के नंगा करके मारा जा रहा है, क्या इन तमाम लोगों का कोई ताल्लुक नहीं है इन मामलात से? अरशद शरीफ को जिस तरह से शहीद किया गया, उसकी माँ कह रही है कि हमें पोस्टमार्टम रिपोर्ट दें, उसकी माँ को नहीं मिल रही, रात को एक टीवी के ऊपर जो है वो चला दी गई है। इमरान खान की अभी हॉस्पिटल नहीं पहुँचे इमरान खान, इमरान खान की जो एक्यूज्ड है, 1.5 मिनट बाद ट्वीट आती है कि जी एक मजहबी जुनूनी ने इमरान खान के ऊपर हमला कर दिया, फिर उसके बाद दूसरी आती है, फिर तीसरी आती है, फिर चौथी आती है, फिर एक टेलीविजन चैनल के ऊपर, फिर PTV के ऊपर, और फिर उसकी वीडियोस जो हैं वो रिलीज़ कर दी जाती हैं। क्या इन 50 लोगों का कोई ताल्लुक नहीं है इन मामलात से? पाकिस्तान के सबसे बड़े लीडर के ऊपर हमला हुआ है, क्या पाकिस्तान की रियासत जो है वो सुम्मन बुकमन बैठी रहेगी? क्या पाकिस्तान की अदालतें सुम्मन बुकमन बैठी रहेंगी? अदालत कहती है 24 घंटे में पर्चा करो, SHO वजीराबाद अपनी तरफ से पर्चा करके कर देता है, हमारे यहाँ कान पे जून ही रेंग रही। ये पाकिस्तान है या हम एक फासिस्ट रियासत में तब्दील हो चुके हैं? ये कौन करा रहा है? रियासत में, पाकिस्तान में सियासत में झगड़े होते हैं। ये हो सकता है कि सियासत में कुछ लोगों को इमरान खान पसंद ना हो, कुछ लोगों को आज़म सबाती पसंद ना हो, कुछ लोगों को अरशद शरीफ पसंद ना हो। कल यॉर्क में बादशाह, बरतानिया का बादशाह जो है चार्ल्स, यॉर्क में गए हैं, वहाँ पे उनको अंडे मारे गए हैं। हमने नहीं सुना रात को बरतानिया में वो बंदा अंडे मारने वाला गायब हो गया है, और बीवी बच्चों के सामने उसको जो है वो उसकी पेंट उतार के उसको जो है वीडियोज़ बनाई गई हैं, छितर मारे गए हैं। ये मुहज़्ज़ब मुल्कों में तनकीद के ऊपर या बातचीत के ऊपर ऐसे होते हैं जैसे पाकिस्तान में हो रहा है? ये जो मैं ये समझता हूँ, अगर आप अपनी जिम्मेदारी अदा नहीं करना चाह रहे, और क्यों नहीं करना चाह रहे, पाकिस्तान में कोई इदारों के ख़िलाफ़ नहीं है, ये जो तरीके इंसाफ है ये मिडिल क्लास की पार्टी है, पाकिस्तान की मेजॉरिटी मिडिल क्लास को PTI रिप्रेजेंट करती है, कौन ये इनमें हमें इदारों के खिलाफ खड़ा होना चाहता है? सारे जो हमारे फौज में लोग हैं, जो हमारे जुडिशरी में लोग हैं, सारे तो हमारे अपने हैं। सारे लोग जो हैं इनमें से आधे लोग वो हैं जिनके फैमिलीज के साथ हमारे ताल्लुकात हैं, जिनकी जो फैमिलीज हैं वो हमारी अपनी फैमिलीज हैं, हम उनको अपनी बहनें समझते हैं, उनके बच्चे हमारे अपने, हम अपने बच्चों की तरह समझते हैं, कौन लड़ना चाहता है? लेकिन जो पाकिस्तान में इस वक्त आप कर रहे हैं बहिमाना है, और जो लोग भी ये कर रहे हैं, चंद लोग हैं जिनका ये मॉडल बनाया हुआ है, आपने पहले जहाँ पे इख्तलाफ हो आप उठा के लोगों को इस तरह से बेइज्जत करना शुरू कर दें, जेलों में डालें, उनकी जो शहबाज गिल के साथ जो आपने किया वो टूट ही गया, उसके बाद वो आ ही नहीं रहा, इस तरह से आप करते हैं। और जो इमरान खान के ऊपर असैसिनेशन अटैम्प्ट हुई है, 100% प्लान्ड असैसिनेशन अटैम्प्ट हुई है। ये क्या बात हुई कि हमें इमरान खान की शक्ल पसंद नहीं है, उसकी बातें पसंद नहीं है, आपने उसको गोली मरवा देनी है? हर बंदे को पता है किसने असैसिनेशन अटैम्प्ट की है, हर बंदे को पता है कि उसमें कौन कौन लोग मुलव्वस हैं, कौन होते हैं जनरल फैसल नसीर ये फैसला करने वाले, या फलाना ये फैसला करने वाला, जो इमरान खान ने जो नाम किए हैं राणा सनाउल्ला, ये कौन होते हैं ये लोग फैसला करने वाले रियासत के बिहाफ पे कि ये हम पे तनकीद करता है और इसको गोली मरवा दो? ये कैसे हो सकता है? और फिर आप तहकीकात तक नहीं होने दे रहे, आप FIR तक नहीं होने दे रहे। ये देखिए, ये मुल्क इस तरह नहीं चलेगा। इस मुल्क को चलाना है पाकिस्तान के अवाम के फैसलों के सामने सर तस्लीम खम करना पड़ेगा।
पाकिस्तान के अवाम इस मुल्क के वारिस हैं। हम 5, 7, 15 लोगों को ये इख्तियार नहीं दे सकते कि वो बैठे और फैसला करें कि कौन पाकिस्तान में गलत है या सही है, और जो गलत है उसको आप मरवाना शुरू कर दें, किसी के कपड़े उतारना शुरू कर दें, किसी को आप जो है वो जेलों में डलवाना शुरू कर दें। ये नहीं हो सकता। पाकिस्तान के लोगों को आपको हक देना पड़ेगा। और मैं नवाज शरीफ से और शहबाज शरीफ साहब से भी ये कहना चाहूँगा, आप लोग अपने पाँव से आगे देखने की सलाहियत रखें। ये हकूमत आपने ऑक्शन में ली है, ये हकूमत आपको आपकी वजह से नहीं मिली, आपको अवाम ने यह हकूमत नहीं दी है। इस मुल्क में इलेक्शंस की तरफ बढ़े। पाकिस्तान में अगर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी चाहिए, पाकिस्तान में अगर इस्तेहकाम चाहिए, आपको इलेक्शन करवाने पड़ेंगे। इसके अलावा जो आप सोच रहे हैं कि मुल्क में मार्शल लॉ लग जाए लेकिन इलेक्शन ना हो, नवाज शरीफ पाकिस्तान में इस वक्त एक बाकायदा मनसूबे के तहत मार्शल लॉ लगवाना चाहते हैं। मैं बताऊं, ये मार्शल लॉ मुल्क में नहीं लग सकता। जो लोगों की ख्वाहिश भी है, ये पाकिस्तान की फ़ौज को ख़राब करना चाहते हैं। पाकिस्तान के इदारों का बेड़ा गर्क होगा। पाकिस्तान के इदारे जो हैं वो बहुत सफ़र करेंगे अगर हम जमहूरियत की तरफ वापस ना गए। पाकिस्तान के इदारों की रही सही इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी अगर हम जमहूरियत की तरफ वापस ना गए। पाकिस्तान में अमली तौर के ऊपर फंडामेंटल राइट सस्पेंड हैं। पाकिस्तान में अमली तौर के ऊपर इस वक्त बुनियादी इंसानी हकूक मुअत्तल हैं। आपको ये हकूक बहाल करने पड़ेंगे। ये नहीं हो सकता कि नवाज शरीफ नहीं मान रहे तो हम इलेक्शन नहीं करवा सकते, नवाज शरीफ नहीं मान रहे तो मुल्क में मार्शल लॉ लगा दें। कोई मार्शल लॉ मुल्क में नहीं लग सकता। मुल्क में जमहूरियत आनी है, जमहूरियत मुल्क में इलेक्शन से आनी है। और आज का जो मार्च है, इंशाल्लाह ताला मैं पाकिस्तान के लोगों को कहता हूँ, इमरान खान ने इस तहरीक में अपना लहू दिया है, तहरीक इंसाफ के लीडरशिप ने इस तहरीक में अपना लहू दिया है। अब आपका फ़र्ज़ है। ये तहरीक सिर्फ तहरीक इंसाफ की नहीं है, ये आपकी तहरीक है, पाकिस्तान के लोगों की तहरीक है, पाकिस्तान के सहाफ़ियों की तहरीक है, पाकिस्तान के वकीलों की तहरीक है। अब आपका फ़र्ज़ है कि इस तहरीक में आगे बढ़े। अगर आप घर बैठे रहेंगे, आप आइंदा आने वाली नस्लों को भी अपने हकूक से महरूम कर देंगे। और पाकिस्तान के लोग इस तहरीक में बढ़ चढ़ के शामिल हों, इस तहरीक में बदलें। और ज़रूरी नहीं कि आप पीटीआई के मौक़िफ़ की हमायत करते हों, आप पीटीआई से इख्तलाफ भी करते हैं तो इस तहरीक में शामिल हों, क्योंकि जब निज़ाम बदलेगा तो तब पाकिस्तान बदलेगा, और उसके लिए हकीकी आज़ादी मार्च की कामयाबी ज़रूरी है। मुसर्रफ पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत सारी बातें, बल्कि सारी बातें फवाद भाई ने कर ली, मैं सिर्फ चंद बातें करूँगी कि हम ये सवाल ज़्यादा शिद्दत से आज वहीं से शुरू करेंगे जहाँ पे इन्होंने कातलाना हमला किया। हम आज वहाँ पे जाके उस इलाके की जो शहीद, एक शहीद की सरजमीन बन चुका है वज़ीराबाद इस वक्त, हम अपने मुअज़्ज़म भाई की शहादत की जगह पे और अपने कायद के ऊपर अटैक की जगह पे आज दोबारा पूछेंगे कि ये हमला क्यों किया गया, किसने कराया और FIR दर्ज क्यों नहीं हुई। हम कोर्ट से भी पूछेंगे कि इस मुल्क में बिल्कुल फंडामेंटल राइट्स नाम को नहीं है, और यहाँ पे जो रात हमने देखी हमारे लिए हर दिन और हर रात एक अजाब से बढ़ के बना दिया गया है। जो हमने अरशद शरीफ का जो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट देखी, रोंगटे खड़े कर देने वाली रिपोर्ट, कि यहाँ पे लोगों को जानों से नहीं मारा जा रहा बल्कि उनको कबल मसीह के ज़माने का टॉर्चर किया जा रहा है। आज के महज़ब माशरे में जहाँ पे इंसानी राइट्स एग्जिस्ट करते हैं, जहाँ पे हम यूनाइटेड नेशन में ह्यूमन राइट्स के बेस सारी चीज़ों में हम सिग्नेटरी हैं, फिर मैं आज कि यहाँ पे होता ये बंदा मर गया, दूसरा दिन बात ख़त्म, मट्टी डालो की पॉलिसी अब पाकिस्तानी अवाम मानने को तैयार नहीं है। हम अपने लीडर को और हमारा वो जो शहीद कारकुन है, इस साने के ऊपर हम उसको इंसाफ दिलाए बगैर हरगिज़ हरगिज़ चुप नहीं रहेंगे। अगर हम बहुत सारे पिछले जो सानियात थे उसके ऊपर अगर हम चुप ना रहते तो शायद एक के बाद दूसरे लीडर इस मुल्क के कीमती जानों का ज़िया ना होता। इसमें मैं कसूरवार आज ठहराऊंगी, ये कोई सियासी मुखालफत की बिना पे मैं बात नहीं कर रही। अगर जरदारी ने कुर्सी की जगह पे बिलावल ने अपनी माँ की शहादत को पानी दिया होता तो आज इस मुल्क में दोबारा इतनी शहादतें और जमहूरी लोगों के साथ इतना नारवा सलूक ना किया जा रहा होता। लेकिन उसने तो बड़ी आइडियल डील पकड़ी, उसने कहा ठीक है बीबी गई मुझे बनाओ। और फिर उनकी हुकूमत में
देखें उनकी हुकूमत के बाद इस केस का कोई नतीजा, कोई मंतकी अंजाम नहीं निकला, लेकिन कारकुनों को बताने के लिए जी हमने इतने अरबों रुपए, अरबों डॉलर खर्च किए और बाहर से भी टीम्स आई, लेकिन उसका नतीजा 0/0। हम ऐसा नहीं होने देंगे, क्योंकि हमारे ऊपर, हमारी सारी पॉलिटिकल लीडरशिप के ऊपर आवाम का प्रेशर है। और मैं शुक्रिया अदा करती हूँ, अपना ये प्रेशर आप जारी रखें। उसकी वजह यह है कि हम मजीद शहादतें देने के मुतहम्मिल नहीं हो सकते, और हम इंशाल्लाह जितनी गोलियां इन्होंने हमें मारी हैं इसका तो हम हिसाब चुकाएंगे। उस वक्त हमने कंटेनर पे खड़े होकर कहा था कि हम बदला लेंगे, लेकिन हम बदला आयन और कानून की शक्ल में लेना चाहते हैं, कि कोई कानून से बालातर नहीं है और कोई अपने आप को होली का ना समझे। और इंडिविजुअल्स की जो माफिया है ना, उनके जुर्मों की, उनके गुनाहों की, उसको इदारे के ऊपर थोपने की भी घिनौनी साजिश और कोशिश मत करें। इदारे की इज्जत और तकरीम अब इस चीज़ में है कि इदारे के बाकी लाखों लोग इस चीज़ के बारे में सोचें कि क्या एक शख्स की वजह से वो इतनी बड़ी तोहमत इदारे पे लगवाना गवारा समझते हैं। फिर मेरा अदलिया की तरफ बार बार ध्यान जाता है कि रात हमने शहादत जो हुई उससे बड़ा हमने टॉर्चर देखा मीडिया के ऊपर, जो रिपोर्ट हमारे सामने आई, अभी तक उसके ऊपर अदलिया की तरफ से कोई सो मोटो और किसी किस्म का एक्शन नहीं लिया गया। लिहाजा आप, मेरी अपील है कि आप ये जो जुल्म और जबर है खामोश रह के इसकी सबसे बड़ी सहूलतकारी कर रहे हैं। कौम किसी को माफ़ नहीं करेगी, तारीख ने हरगिज़ माफ़ नहीं करना। और दूसरी जो अहम चीज़ है, आज ये जो इनकी खाम ख्याली है कि हमने हमारे लीडर को इन्होंने गोलियां मार दी है, जो भी इनके गलीज किस्म के जो मंसूबे थे, अल्लाह का शुक्र है वो कामयाब नहीं हुए। लेकिन एक चीज़ में जिसमें शायद ये अपनी तरफ से तसल्ली करके बैठे हैं कि खान साहब वहाँ पे नहीं होंगे तो हमारा ये मोमेंटम टूटेगा, ऐसा हरगिज़ नहीं होने वाला। मैं आज यहाँ पर जो लोगों की, वज़ीराबाद की और पाकिस्तानियों की और सेंट्रल पंजाब की जो पल्स हमने एज ए वर्कर देखी है, इंशाल्लाह आप देखेंगे कि जिस जगह पे गोलियां मारी गई थी वहां पे जो क्राउड उस वक्त मौजूद था आज उसका डबल और थ्री टाइम्स होगा इंशाल्लाह। और ये इनको बताएगा इस शिकस्त खोर्दा कुवतों को कि पाकिस्तान की आवाम जाग चुकी है और वो तुमसे बड़े भारी मार्जिन से जीत चुकी है। अब ये ओछे हथकंडे, ये बुजदिलाना कार्रवाइयाँ ना हमारा रास्ता रोक सकती हैं ना रोकेंगी। इंशाल्लाह बड़ी इज्जत के साथ, बड़े मान के साथ, बड़े शान के साथ हमारे लीडर हमारा इस्तकबाल करेंगे और हम इंशाल्लाह वहाँ पे आवाम की ताकत के साथ और अल्लाह की मदद के साथ इन सारी कुव्वतों को शिकस्त देंगे इंशाल्लाह। एक मिनट मालिका ने, एक मिनट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मुख्तसर बात करूँगी। सबसे पहले तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत को, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी चेयरमैन को, हमारे वर्कर्स, सपोर्टर्स और मेम्बर्स को खराज तहसीन पेश करना चाहते हैं कि जहाँ से मोहसिन पाकिस्तान का खून बहा था, जहाँ पे उनके रुफका का, उनकी पार्टी के क़यादत का, मौज़म शहीद का खून बहा था, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने फैसला किया कि उसी मुकाम से अपनी हकीकी आज़ादी की तहरीक का आगाज़ करेंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने दुनिया को बताया है कि पाकिस्तान की सबसे बड़ी जमहूरी जमात है जिसने अप्रैल से बहुत मुश्किलात का सामना किया है, जिसके मेंबरान पार्लियामेंट के कपड़े उतार के उनकी वीडियोज़ बनाई गई हैं, जिनको धमकाया गया है, जिनके ऊपर तशद्दुद किया गया है, लेकिन वो पुरअज़्म रहे। उन्होंने फैसला किया कि जितनी भी मुश्किलात आप हमारे ऊपर डालेंगे, हम अपनी हकीकी आज़ादी की तहरीक और अपने फ़लसफे, अपने मंशूर से, अपने इंसाफ के मंशूर से पीछे नहीं हटेंगे। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सपोर्टर्स को और पाकिस्तानी शहरियों को खराज तहसीन पेश करना चाहती हूँ। इसके साथ साथ मुझे फवाद चौधरी ने बताया कि जो जहाँ पर मौज़म शहीद की शहादत हुई थी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने फैसला किया है कि उस जाए वकवा को हम उनकी यादगारें शहदा का दर्जा देंगे और वहाँ पर एक जगह कायम होगी जहाँ पर उनकी जो शहादत है उसको एक आला मनसब देंगे और उनको यादगार उसको बनाएंगे पाकिस्तान की आवाम के लिए, ताकि दुनिया जाने कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपने शहदा को, अपनी तहरीक में शामिल होने वाले लोगों को खराज तहसीन पेश करती है, उनको याद रखती है, उनको तहरीक में शामिल करती है। बहुत शुक्रिया चौधरी साहब। सवाल क्या है मेरा, चौधरी साहब पहले, चौधरी साहब गुजारिश ये है कि तहरीक इंसाफ एक मिडिल क्लास पार्टी है, मिडिल क्लास और मुतवस्सत क्लास इस वक्त सबसे ज़्यादा तहरीक इंसाफ में है, और हमारी पाक फौज भी जो है वो मिडिल क्लास और मुतवस्सत क्लास से ताल्लुक रखती है। ये कौन लोग हैं जो मिडिल क्लास को आपस में लड़ाना चाह रहे हैं और नफरतें पैदा करने की कोशिशें कर रहे हैं? देखें, बात यह है
ये लोग जो हैं ना, ये हैं जिन्होंने कभी कोई पहले जिनको सियासी तजुर्बा कोई नहीं रहा। सियासतदानों से ऐसे थोड़ी लड़ते हैं कि हमको मकबूजा कश्मीर में तो नहीं है। सियासत में आप अपने आइडियाज़ के ऊपर लड़ते हैं, ये थोड़ा ये कि जिसका आइडिया आपसे डिफरेंट होगा आप उसको उठा के जो है वो नंगा करेंगे और मारेंगे या उसको जेलों में डाल देंगे या उसको जो है वो मुल्क बदर कर देंगे। आइडियाज़ की लड़ाई होती है, आप अपने सुपीरियर आइडियाज़ लेके आते हैं, ये थोड़ा ही होता है कि। तो ये वो लोगों का एक ग्रुप है, ग्रो है एस्टेब्लिशमेंट के अंदर, जो सियासत को जंग की तरह ले रहा है कि ये पता नहीं वो कुछ जंग लड़ रहे हैं दुश्मन मुल्कों से, जिसकी वजह से ये मसला हो रहा है। कल जो उमर चीमा ने ब्रीफिंग दी थी जो सीनियर लीडरशिप को, उसमें जो इब्तदाई तहकीकात में उन्होंने बताया था कि शूटर जो है वो एक से ज़्यादा थे। एक शूटर जो है उसने 90 डिग्री से जो है वो गोलियां मारी थी और एक दूसरा शूटर था जिसने कहीं सामने से मारी थी। अब एक तीसरे की भी वो बात कर रहे हैं जिसका अभी फोरेंसिक कहा जाएगा, तो उन्होंने वो सारी डिटेल्स अब आज चूँकि JIT बन जाएगी और वो सारी जो फोरेंसिक तहकीकात हैं वो शुरू हो जाएंगी। अब देखना यह है वहाँ से एम्प्टीज़ कितनी मिलती हैं, वहाँ से किस डिफरेंट नोयत का असला यूज़ हुआ वो मिलता है। एक उनको शक ये भी है कि शायद एक इमारत के ऊपर से साइलेंसर लगे वेपन से भी फायर हुआ। तो ये तीन थ्योरियाँ हैं जो इस वक्त चल रही हैं कि शूटर दो थे या तीन थे और किस तरह से जो है वो वेपन इस्तेमाल। नई तैनाती के हवाले से कि आप समझते हैं कि लंदन में दोनों लोग हैं वो एक देश के हैं, दूसरा ये भी फरमाइएगा बैकडोर रबतों की बातें चल रही हैं कि PTI के साथ दोबारा से बैकडोर रबते हो रहे हैं, क्या आपके साथ कहीं पर इसी सतह पर कोई मुखाकरात हो रहे हैं और आप करेंगे? देखिए, पहली बात तो यह है कि एस्टैब्लिशमेंट को सोचना चाहिए कि क्या ये मुल्क इस तरह चल सकता है कि एक तैनाती पूरे मुल्क को जो है वो ले बैठे। आप उस सिस्टम तय करें, ये थोड़ा ही है कि हर 3 साल के बाद पूरी हुकूमत ने बैठ जाना है कि जी अब हमने आर्मी चीफ लगाना है। कोई सिस्टम होना चाहिए जिसमें आप खुद ही बता दें किस तरह से लगना है, किसने आना है, क्या होना है। यहाँ पे रोज़ पूरा मीडिया, पूरा पाकिस्तान, सारी सियासत हो रही है जी वो एक तैनाती होनी है जी उसमें पता चल जाए। भाई कुछ सिस्टम बना के आप दे दें, खुद ही दे दें कि हमने इस तरह से करना है, क्या होना है। और दूसरी बात यह है कि जो शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ ने 5 आर्मी चीफ इससे पहले अपॉइंट किए हैं, सबसे जूते खाए हैं। कोई अकल की बात करें, कोई बंदा हिस्ट्री से सीखता है, ये अपना आदमी क्यों आर्मी चीफ हम लगाएं जो 25% पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करता हो। आर्मी चीफ होना चाहिए जिसको 100% पाकिस्तान से रिप्रेजेंट करता हो, 100% पाकिस्तान उसके पीछे खड़ा हो। आज जो तरीके इंसाफ अगर उस डिसीजन मेकिंग में शामिल नहीं है, आज सारी पाकिस्तान की मेजॉरिटी वो पार्टी जो 155 सीटें लेके पार्लियामेंट में है वो शामिल नहीं है, आप मुझे बताएं उसकी तैनाती जो है कंट्रोवर्शियल होगी या नहीं होगी। तो हमें हिस्ट्री से सीखना चाहिए, कुछ अहदे हैं जिनको हमने सियासत से बालातर करना है, ये अहदा उनमें से एक है। नहीं, ये 3 हफ्तों में पहुंचेगा और खान साहब इसी तरह से जिस हालत में भी होंगे वो रावलपिंडी। सर ये बताइएगा सिक्योरिटी के अब क्या इंतजाम किए जाएंगे पंजाब हुकूमत की जानिब से, क्योंकि पहले भी एक बार हमला हो गया और खान साहब भी कह चुके हैं कि सिक्योरिटी के वहाँ पे हालात नहीं देखें। अब क्या पंजाब हुकूमत आपके साथ काम कर रही है? कल स्पेशल ब्रांच ने जो पंजाब में जो रिपोर्ट दी है, उन्होंने कहा है कि इमरान खान के ऊपर एक और कातलाना हमले की मनसूबाबंदी जो है वो हो सकती है, और असैसिनेशन अटैम्प्ट का कातलाना हमले का इम्कान जो है वो खान साहब के ऊपर और लीडरशिप के ऊपर इस वक्त बढ़ गया है। और अनफॉर्चुनेटली पिछली दफ़ा भी वहाँ पे इकदाम हो नहीं सकते, इसलिए इसको चेंज करेंगे। एक तो जो अपना हमारा कंटेनर है वो अब बुलेट प्रूफ जो है वो होगा, कैप्सूल होगा उसमें। उसके बाद भी हमने कोशिश की है खान साहब को इस बात पर कन्विंस करने की कि वो जलसों से ख़ताब करें, वो रैली ना लीड करें, क्योंकि उसमें मुश्किल हो जाता है उसमें। तो हमारी पूरी कोशिश है इमरान खान को कि वो एहतियात करें। अब खान साहब का तवक्कल है अल्लाह पे, वो इतना ज़्यादा ज़िंदगी मौत को वो समझते हैं कि जान लिखी है वहीं आते, लेकिन अपनी एहतियात जो है वो करनी ज़रूरी है। जैसे ये बताइएगा जो गिरफ्तार हमलावर है उसके हवाले से पहले वीडियोज़ तो आ गई हैं, वो एक सबके सामने है, लेकिन आपकी क्या इन्वेस्टिगेशन हुई है? जो पंजाब गवर्नमेंट ने की है उससे क्या इन्वेस्टिगेशन हो सकी है, क्या किसने भेजा था, क्या सबसे पहले तो
हमें जो कल हमने कन्वे भी किया है उमर चीमा को और पंजाब हुकूमत को कि हमें बड़ी फिक्र है इस शख्स की ज़िंदगी की, कि ये ना हो कि इसे हिरासत में कहीं जो है वो मार दिया जाए, ताकि क्योंकि देखिए अभी तक तो इसके बयान जो आए हैं वो तो रटे रटाए तोते वाले हैं, जैसे एतजाज़ अहसन साहब ने कहा कि तोते की तरह रटे हुए बयान उसने दिए हैं, लेकिन अगर हमने इससे वाकईतन इन्वेस्टिगेशन करनी है तो उसके लिए फिर अभी कुछ वक्त दरकार होगा, और उससे पहले इम्पॉर्टेंट है कि इसकी ज़िंदगी की हिफाजत की जाए, इसको बचाना ज़रूरी है। पहले भी हमारा ख़दशा ये था कि ये ना हो कि इसको फौरी तौर के ऊपर, जैसा लियाकत अली खान के ऊपर हमला हुआ था तो बंदे को मार दिया गया था, ये ना हो कि इसको मार दिया जाए, लेकिन ये तो इस्तेमाल हुआ है। ये जो साफ़ी जिन्होंने ट्वीट्स की, जिनको वीडियो भेजी गई, वो भी इस्तेमाल हुए हैं। अब उनसे पूछे ना आप, इनसे पूछें आपको एक मिनट के बाद जो है वो कैसे जो है वो आपके पास जो है ये वीडियोज़ आ गई, आपको किसने भेजी और क्यों भेजी, और कौन था जो कि इसको एक मजहबी रंग देना चाहता था कातलाना हमले को। सिंपल बात है, सिंपल आपको पता चल जाएगा। अच्छा जोई साहब, मेरा ये क्वेश्चन है जोई साहब, सर ये बताइएगा एक मिनट यार, जोई साहब मेरा मार्च के पोटेंशियल और सिक्योरिटी के हवाले से क्या कहना चाहेंगे आगे जो हो गया वो तो इंशाल्लाह ताला। जोई साहब मेरा ये क्वेश्चन है, ये भी इत्तला है, एक मिनट वो मुसर्रत से सवाल कर रहे हैं, वो आज स्टार्ट हो रहा है, ये कहता कि ये मरला वार होगा, कार बिना बात होगा, किस तरीके से आगे बढ़ेगा, ये फवाद भाई ने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है कि डेली बेसिस पे ये डिसाइड हुआ है कि 4:30 खान साहब खिताब करेंगे ताकि डे लाइट में बाय 5 o'clock हम इसको ख़त्म करें, 2 बजे शुरू होगा, आज रात हम सारी लीडरशिप ठहरेंगे गुजरात, कल गुजरात पे होगा, और फिर हर दिन सुबह प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आपको मरहला वार, अगर खुदा ना खास्ता उसमें कोई चेंजेस आए उससे भी हम बर वक्त आगाह करेंगे, फिलहाल ये है कि कल हम होंगे गुजरात। अच्छा थोड़ा सा मैं इसमें एक्सप्लेन कर दूं कि पहले था कि हम कंटेनर पे सफ़र कर रहे थे जी। अब सफ़र नहीं कर रहे, सिक्योरिटी जो है वो अलाउ नहीं कर रही, अब हम ये कर रहे हैं कि ये कंटेनर जो है वो एक शहर से दूसरे शहर पहुंचेगा, सारी लीडरशिप उस शहर में जाएगी, उस शहर में खिताब होगा, और फिर इमरान खान का खिताब रोजाना 4:30 बजे हुआ करेगा, और वहाँ से फिर अगले शहर चले जाएंगे और इस तरह पिंडी पहुँचे। थैंक यू। अपराध को भी जो है वो हिरासत में लिया गया है वजीराबाद मामले वाले मामले में। दूसरा, शिराज साहब ने कल खान साहब की मुलाकात की है तो उन्होंने कहा कि आर्मी चीफ की तैनाती में तमाम सियासतदान जो हैं वो एक्स्ट्रा का किरदार है। देखिए बात यह है कि ये यही तो मैं कह रहा हूँ, क्यों एक्स्ट्रा का किरदार, आर्मी चीफ एक पार्टी का तो नहीं हो सकता, आर्मी चीफ को सारे पाकिस्तान का आर्मी चीफ होना है, और उसके लिए मौजूदा हुकूमत की जो रिप्रेजेंटेटिव हैसियत है, जो नुमाइंदा हैसियत है, वो नहीं है। अगर ये एक इलेक्टेड गवर्नमेंट होती जो एक रेगुलर इलेक्शन में जीत के आई होती तो फिर मामला और था, लेकिन ये हुकूमत इलेक्टेड नहीं है, ऑक्शन में आई हुई हुकूमत है, इसकी रिप्रेजेंटेटिव हैसियत नहीं है। ये फौज ने खुद सोचना है और फौज सोच भी रही है कि इस तरह से अगर ये बनाएंगे तो फिर मामला कैसे चलेगा। मेरा वो आपको पंजाब गवर्नमेंट बता सकती है, सरकारी लोग हिरासत में लिए गए हैं, वो उमर चीमा का साथ है। देखिए उसमें सरकारी लोग इसमें बिल्कुल मुलविस हैं, जिन्होंने वीडियो बनाई और मुअत्तल किया पूरे थाने को, और फिर दूसरी वीडियो बयान जारी हो गया, और उनका स्टेटस क्या है वो उमर चीमा साहब बताएंगे। बहरहाल इनके ऊपर काफ़ी बड़े बड़े शदीद किस्म के सवाल ज़रूर हैं। ख्वाजा साहब देखिए जो स्पेशल ब्रांच की रिपोर्ट है वो ये है, उन्होंने स्पेसिफाई नहीं किया कहाँ पे है कैसे है, लेकिन उन्होंने ये कहा कि उनके ऊपर कातलाना हमले का खर्चा है। साहब एक्सटेंशन देख रहे हैं या अपॉइंटमेंट देख रहे हैं, क्योंकि इमरान खान तो टीवी पे बैठ के कह रहे हैं। पहले ही आपसे ये कहा है कि एक्सटेंशन ये पाकिस्तान के अंदर इस वक्त सबसे बड़ा मसला बन गया, इसको हल करें। ये हर 3 साल बाद नहीं हो सकता कि पाकिस्तान पूरा बैठ जाए कि जी हमने एक्सटेंशन देनी है या नहीं। नवाज शरीफ की कोशिश है।